सरसों के तेल में ये चीजें मिलाकर लगा लीजिए, सर का एक एक बाल जड़ से काला हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए फ्रेंड्स आज मैं दोबारा से एक ऐसी बहुत ही असरदार रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बनाना भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, आपने आज तक सफ़ेद बालों को काला करने के नए नए तरीके तो देखे होंगे, लेकिन जो आज मैं आप लोगों के लिए नुस्खा लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा असरदार है, बहुत ज़्यादा बनाना आसान है और इसे आप 2-3 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसका लगातार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा हेयर ऑयल बताने वाली हूँ जो कि आपके सारे सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर देगा, साथ ही वो आपके बालों को काला, घना, लंबा, चमकदार और मुलायम बनाने के भी काम आएगा। आपके सर के सारे बाल जड़ से एकदम मजबूत हो जाएंगे, साथ ही ये आपके बालों का झड़ना भी बंद करेगा और साथ में आपके नए बालों को उगाने में भी मदद करेगा, आपके नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। ये रेमेडी बिल्कुल ही नेचुरल है फ्रेंड्स, तो आपके बालों की सभी समस्याओं को ख़त्म कर ये आपके बालों को काला बनाएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है, तो आज आप लोग भी इसे ज़रूर आजमाइएगा अगर आप अपने बालों को जड़ से काला बनाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो चलिए अब इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन रेमेडी बनाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करके और बराबर में जो घंटी वाला आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए इस बालों को काला बनाने वाले ऑयल की रेमेडी को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोहे की कढ़ाई चाहिए। देखिए, लोहे की कढ़ाई जब भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी रेमेडी को बनाने के लिए, तो इसके अंदर के जो लोहे के तत्व होते हैं वो सारे रेमेडी में मिल जाते हैं। लोहा बहुत ही आवश्यक तत्व होता है बालों को मजबूती देने के लिए। आयरन अगर आपके बालों को प्रॉपर मिल पाता है तो आपके बाल कभी नहीं झड़ते, ना ही वो कमज़ोर होते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में हम इस रेमेडी को आज तैयार करेंगे ताकि आयरन के तत्व हमारी रेमेडी को मिल जाएँ। और लोहा हमारे बालों को ब्लैक कलर देने में भी हेल्प करता है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। फ्रेंड्स, सरसों के ऑयल में काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो कि आपके बालों को अच्छे से न्यूट्रिशन देने में, पोषण देने में बहुत आपकी हेल्प करता है। और सरसों के तेल के बारे में अगर बात करें तो ये एक ऐसा तेल है जिसे गर्म कर भी इससे रेमेडी तैयार की जा सकती है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सरसों के तेल में रेमेडी को उबाल कर बनाएं या ना बनाएं, बिल्कुल आप इसे गर्म कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत ही अच्छा सा इंग्रेडिएंट जो कि बालों को अच्छा कलर देता है, वो है मेहंदी। ये मेहंदी वही है जो आप अक्सर अपने हेयर पैक में लगाते होंगे और इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं स्कैल्प पर और बालों पर। बालों को अच्छा सा काला रंग देने में ये हिना बहुत काम आती है। कलर देने के अलावा ये मेहंदी आपके स्कैल्प पर बालों को हेल्दी भी रखती है। तो यहाँ हम 2 चम्मच हिना पाउडर ले रहे हैं। अगर आपके पास नेचुरल वाली मेहंदी है, बिल्कुल पत्तों को आपने पीसकर उस मेहंदी को तैयार किया हुआ है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। अगला इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मेथी पाउडर। अगर आप लोगों के पास मेथी नहीं है तो आप मेथी के जो सीड्स हैं उनको भी इस रेमेडी में मिला सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच मेथी पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। मेथी के गुणों और मेथी के फ़ायदों के बारे में बात की जाए तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन सिर्फ इतना बता देती हूँ कि बालों को लंबा, घना, काला बनाने में ये पाउडर बहुत काम आएगा। नेक्स्ट हम इसके अंदर डाल रहे हैं फ्रेंड्स आंवला पाउडर। आंवला के अंदर एक तो विटामिन सी होता है, दूसरा ये बालों को जल्दी से लंबा करने में, उनको काला कलर देने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं 1/4 चम्मच आंवला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। नेचुरल अगर आंवला है आपके पास तो वो भी आप इस रेमेडी में डाल सकते हैं, लेकिन वो सूखा हुआ आंवला होना चाहिए क्योंकि तेल के अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 पाउडर्स मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में और अच्छे से इन्हें मिला लेते हैं ताकि इनके अंदर की जो गुठलियाँ हैं वो सब ऑयल के अंदर मिल जाए और बढ़िया सी कंसिस्टेंसी वाला हमारा ये ऑयल तैयार होगा।
अब हम इस ऑयल को पकाने के लिए गैस की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही लो फ्लेम पर मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर ही आपको ऑयल को पकाना है। अगर आप तेज फ्लेम पर पका देते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे और वो असर देने के बजाय ऑयल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखें, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको कम से कम इसे 5 मिनट के लिए पकाना है। और अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये भूरा दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर तक जब हम इसे पकाएंगे तो इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। कढ़ाई के अंदर के जो लोहे के तत्व हैं, आयरन के तत्व हैं, वो भी इस रेमेडी में आ जाएंगे। तो हम इसे 5 मिनट के लिए अभी पका लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रेमेडी किसी मैजिक से कम नहीं है। अगर इसका लगातार इस्तेमाल आप कर लेते हैं तो आपके बालों को ये नेचुरली काला बनाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके बालों को डाई जैसा कलर देगा बल्कि धीरे धीरे आपके बालों को काला ही बनाना शुरू कर देगा, यानी कि जड़ों से ही आपके काले बाल आने शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ऑयल हमने तैयार किया है, ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, काला होता जा रहा है, बिल्कुल डाई की तरह पककर ये तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, बिल्कुल मंदी गैस पर आपको इसे पकाना है। तो ऑयल ऑलमोस्ट तैयार है, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, लेकिन कढ़ाई इतनी गर्म है कि ये तेल अभी भी उबल रहा है। तो थोड़ा सा इसको आप चलाते रहिएगा ताकि ये जले ना। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मैजिकल हेयर ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। इसको हमने ठंडा कर लिया है। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इसे हमने 24 घंटे के लिए कढ़ाई के अंदर ही रखना है, यानी कि एक रात के लिए भी आप इसे ढककर रख सकते हैं। तो ढककर मैं इसे 24 घंटे के लिए रखूंगी और उसके बाद आप इसका कलर देखिएगा। 24 घंटे बाद जब आप ये बर्तन को हटाएंगे इसके ऊपर से, तो ये देखिए एकदम काला हो चुका है। फ्रेंड्स, ये ऑयल बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर है, आपके बालों को काला बनाने के लिए, उनको काला कलर देने के साथ साथ नेचुरली बालों को ब्लैक बनाने के लिए ये रेमेडी आपके बहुत काम आएगी और काफ़ी डार्क कलर इससे आपके बालों को मिलेगा। तो अब हम इसे छान लेते हैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से, क्योंकि जो पाउडर के अंदर मिली हुई कोई गंदगी हो या फिर मोटा पाउडर हो, वो छन्नी से बिल्कुल अलग हो जाए। तो फ्रेंड्स, देखिए ये मैजिकल ऑयल बनकर तैयार हो गया है बालों के लिए। बालों को काला बना देगा, उन्हें जड़ से मजबूती देकर घना, मुलायम और लंबा भी बनाने में आपके बालों को हेल्प करेगा। इसे आप फ्रेंड्स स्टोर करके रख सकते हैं लगभग 1 से 2 महीने तक। किसी भी कंटेनर में आप इसे स्टोर कीजिएगा, लेकिन अगर आप कांच के कंटेनर में इसे स्टोर करते हैं तो ये काफ़ी दिन चल जाता है कांच के बर्तनों में, क्योंकि कोई भी ऑयल हो या कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा दिन तक चलती है। एयर टाइट कंटेनर आपको लेना है और ये हमने कंटेनर के अंदर स्टोर करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बाउल के अंदर नीचे की तरफ ये जो बैठा हुआ पाउडर है, ये काफ़ी काला होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब आप ऑयलिंग करें इससे अपने बालों में, तो पहले जो ऑयल है उसको अच्छे से आपको मिला लेना है, ताकि ये नीचे बैठा हुआ पाउडर भी सारे तेल में मिल जाए और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और उसके बाद आपने स्कैल्प पर इसे मसाज करना है। आपको इस ऑयल को कैसे अप्लाई करना है, तो फ्रेंड्स आपको ये ऑयल कम से कम वीक में 3 से 4 बार अप्लाई करना है, और अपने बालों पर और अपने स्कैल्प पर इसे अच्छे से अप्लाई करना है। आपको अपने बालों की जड़ों में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि अगर आपको सफ़ेद बालों की शिकायत है तो जड़ से ही ज़्यादा सफ़ेद बाल दिखाई देते हैं, तो आपको उसी जगह इसे लगाकर मसाज करना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है और इसे लगाने से लगभग 1 से 2 महीने में ही आपको बहुत क्लियर रिजल्ट दिखाई देने वाले हैं। और आप अपने बालों में इसे अच्छे से अप्लाई कीजिएगा और अपने स्कैल्प पर भी बिल्कुल अच्छे से लगभग 5 मिनट के लिए इसे लगाकर आपको मसाज करनी है। इसे लगाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ही आपको अपने बालों में शैम्पू करना है। और अगर आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो इसे आपको कम से कम ओवरनाइट लगाकर रखना होगा। अगर आप ओवरनाइट लगाते हैं तो आप अपने सर के ऊपर या तो कोई पॉलिथीन लगा सकते हैं या फिर कोई शावर कैप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके बाल कवर हो जाएं और आपके कपड़ों पर ये ऑयल ना लगे। और आपको पहले दिन के यूज़ से ही फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट दिखना शुरू भी हो जाएगा। और अगर आप 1 महीने तक लगातार इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल चौंकाने वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके बाल घने, लंबे, मुलायम और मजबूत हो जाएंगे।
तो फ्रेंड जरूर इस रेमेडी का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपके सफ़ेद बालों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, वो काले हो जाएंगे। और अगर आज की रेमेडी आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और हाँ ज़रूर कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी और कैसे इसके आपको रिजल्ट मिले हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।